नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिटशॉट फिल्म में। अब ये जो देख रहे हो आप, ये कैनन लाइट 120 ये स्कैनर है, एक फ्लैट बेड स्कैनर है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक जो फ्लैट बेड स्कैनर जो है, इसे हम कॉपियर यानी जेरोक्स कैसे बनाएं। जैसे अभी एक मेरे पास ये कैनन 210 प्रिंटर है और ये स्कैनर है, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे जैसे ऑल इन वन जो प्रिंटर होता है ना, जैसे अगर मैं जेरोक्स की तरह ऊपर से एक बटन दबाता हूँ कॉपी का, तो दूसरे यहाँ पे नीचे कॉपी निकलती है। तो चलो सबसे पहले तो हमें हमारे कंप्यूटर में एक सेटिंग करना होगा। कंप्यूटर में सेटिंग में जाके हमें जो हमारा स्कैनर है उसको डिफ़ॉल्ट स्कैनर और प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, ये हमें सबसे पहले हमें सेट करना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने सेटिंग में गया, उसके बाद प्रिंटर्स एंड सेटिंग में गया, उसके बाद यहाँ पे सब प्रिंटर्स हमें शो हो रहे हैं। जैसे अभी ये अनहाइलाइटेड प्रिंटर्स है, ठीक है, लेकिन जो अभी ये जो प्रिंटर है कैनन LBP 2900 ये हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो ये आपको जो दो नंबर आपको जो दिख रहा है ये हाईलाइट प्रिंटर है, यानी ये जो प्रिंटर है, हाँ ये जो प्रिंटर है ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्रिंटर हमें करना है। देखो अभी ये कैनन जो है स्कैनर लाइट 120 आप ये जो यहाँ जो देख रहे हो आप, चलो पहले इसका टेस्ट लेते हैं कि ये डायरेक्टली स्कैन करेगा या नहीं। पहले देखते हैं प्रीव्यू में क्या है, क्या होता है, क्या नहीं, ठीक है। चलो मैं अभी स्कैन करता हूँ इसे, प्रीव्यू देखते हैं हम स्कैनिंग करके। बहुत ही सिंपल है, आप भी इसे मतलब अगर आपके पास स्कैनर भी है और प्रिंटर पे है, प्रिंटर भी है ये वाला, तो आप डायरेक्टली इसे कॉपियर भी बना सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है। ओ यार, इसमें अभी मैंने स्कैनर में कोई रखा नहीं है कुछ भी। चलो इस नोटबुक का अभी मैं स्कैनर में रख देता हूँ, इसका हम डायरेक्टली जेरोक्स निकालेंगे, ठीक है। पहले तो हमें स्कैनर टेस्ट करना है, देखते हैं पहले स्कैन प्रीव्यू करके। चलो प्रीव्यू करता हूँ अभी मैं इसे। देख सकते हो आप यहाँ पे अभी ये स्कैन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं ये दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि ये स्कैनर मैंने इस कंप्यूटर में अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट स्कैनर है यहाँ पे, ओके। और प्रिंटर जो आप ग्रीन साइन जो देख रहे हो वो कहलाता है सेट एज द डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट प्रिंटर है वो, ठीक है। तो ये सेटिंग मैंने अभी यहाँ पे कर ली है, और अभी हम क्या करेंगे डायरेक्टली अभी स्कैनर पे हमें जाना है, और स्कैनर पे जाने के बाद हमें वहाँ पे कॉपी प्रेस करना है। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्कैनर है यहाँ पे ये चार बटन्स हैं, एक PDF है, ऑटो स्कैन है, कॉपी है और सेंड है, ठीक है। इसमें से हमें जो कॉपी है यहाँ पे प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेज यहाँ पे मैंने प्रेस किया बटन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो कॉपी है वो बाहर निकल के आया। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी मैंने जो इसका स्कैन किया और प्रिंट निकाला, तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंटर का कोई भी एक्चुअली मैंने कोई कमांड नहीं दिया है, डायरेक्टली कमांड हमें हमारा जो स्कैनर है यहाँ से ये कमांड निकलता है और जाता है प्रिंटर के लिए डायरेक्टली, ठीक है। मैं एक बार आपको वापस से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी कॉपी पर मैं अभी ये प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने अभी ओके
देखिए मैंने अभी यहाँ पे प्रेस कर दिया, अभी देखते हैं प्रिंटर आ रहे हो प्रिंट। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैन हो रहा है अभी। पहले तो ये स्कैन होता है ऑटोमेटिकली, मतलब कॉपी प्रेस करने के बाद, और फिर ये स्कैनर से जाता है सीपीयू में, सीपीयू में से जाता है ये कमांड हमारे प्रिंटर में। ठीक है, तो अभी यहाँ से प्रिंट हमारा निकलेगा। ओके देखो अब निकल चुका है प्रिंट। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे अपने घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो है आपको वो मिलते रहे। देखते रहिए हेडशॉट फिल्म। थैंक यू।